Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लास्ट टॉपिक है, और इसका टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं? पहले तो इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जिनका फ्यूचर के अंदर बिल्कुल नामोनिशान खत्म हो जाए, कोई भी स्पीशी ऐसी सर्वाइव ही ना करे, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वो आपके पास होती है इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, जो अपने बिल्कुल वहां किनारे पर पहुंच चुकी हो, मरने के किनारे पे, के मजीद इसकी थोड़ी चंद स्पीशीज रह गई हैं, इसके बाद इनका खात्मा हो जाएगा, तो ऐसी स्पीशीज कहलाती है इंडेंजर्ड। और ऐसी स्पीशीज जो पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड हो रही है उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। अब वो तीन स्पीशीज है, एक है इंडस डॉल्फिन, नेक्स्ट है मार्को पोलो भेड़, एंड थर्ड वन इज द बारा बस्टर्ड। आपको देखिए इंडस डॉल्फिन क्या है, WWFP वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, एक आपको पाकिस्तान के अंदर एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है कि जो चीजें मर रही हैं, जो चीजें एक्सटिंक्ट हो रही है, जो पौधे जो जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बचाया कैसे जाए, तो ये एक ऐसी कमेटी है जो काम करती है। उसके अकॉर्डिंग WWFP के अकॉर्डिंग सिंध के अंदर सिर्फ और सिर्फ 600 स्पीशीज जो होती है बची है दरिया सिंध के अंदर इंडस डॉल्फिन की। और इसकी रीजन क्या है? एक तो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी क्या होती है? पानी की आलूदगी ये कि पानी का गंदा हो जाता है, जब इंडस्ट्रीज होती है उसका वेस्ट है, उसके अंदर क्या होते हैं कुछ जहरीले मादे होते हैं, उनको पानी के अंदर डायरेक्ट डाल दिया जाए तो वो क्या होता है, पानी के अंदर सारे के सारे जो जहरीले मादे हैं वो तो शामिल होंगे, सब हैवी मेटल्स भी शामिल हो जाती है, वो सारी की सारी पानी की क्वालिटी को खराब कर देती है। तो ये उसने बताया कि वाटर पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, इनकी जो स्पीशीज है वो इंडेंजर्ड हो रही है। दूसरा हैबिटेट लॉस है, अब जाहिर है जब पानी गंदा हो जाएगा जहाँ पे उन्हें रहना है उनकी रहने की जगह भी खराब हो जाएगी। थर्ड है हंटिंग, जो ज्यादातर मछली जो शिकार करते हैं वो क्या करते हैं, वो जब नेट फेंकते हैं तो उस नेट के अंदर जो आम जो फिशेज होती हैं उन्होंने तो आना ही आना है, तो ये इनके स्टॉल में इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, फंस जाती हैं, तो वो शिकारी क्या करते हैं इसका भी शिकार कर लेते हैं। तो ये तीन वजूहत हैं इसके खात्मे। अब नेक्स्ट हमारे पास मार्को पोलो शिप, ये क्या होती है? ये खंजराब नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। ठीक है, ये नाम ही बता रहा है कि खंजराब है, तो ऐसे नेशनल पार्क के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है? पिछली 2 दहाइयों से इसकी दिन ब दिन तादाद कम होती जा रही है। अब इसको भी क्या किया गया, WWFP वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान इसका एप्लीकेशन है, तो वो इन्होंने क्या की प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ताकि इसको बचाया जा सके, कैसे कैसे इसके खात्मे एक्सटिंक्ट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी वजूहत है, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वो काम कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास है हवारा बस्टर्ड। हवारा बस्टर्ड एक प्लांट है, सॉरी प्लांट कह रही बर्ड है, एक बर्ड है, परिंदा है, माइग्रेटरी बर्ड है, जो क्या करता है जब बहुत ज्यादा ठंड वाले इलाके सर्दी वाले इलाके होते हैं तो ये क्या करता है, माइग्रेट करके आता है, नकल मकानी करके आता है, सवात से नकल मकानी करके चौलिस्तान आ जाता है। ठीक है, और ये भी खत्म हो रहा है, इसके भी 2 रीजन है खात्मे की। पहली रीजन है ओवर हंटिंग, ज्यादा शिकार, जो शिकारी होते शिकार करते हैं तो ज्यादा शिकार करने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो दिन ब दिन तादाद कम होती जा रही है। और दूसरा हैबिटेट लॉस है, जब ये नकल मकानी करके आते हैं एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं तो इनकी जो रहने की जगह वो खराब हो जाती है, इसी के दौरान जब नई जगह पे जाते हैं तो वो कुछ एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं करते, इनकी वजह से भी ये क्या होता है दिन ब दिन इनकी तादाद कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, इसी के साथ हमारा चैप्टर कवर हुआ।